DSSSB में फिर से रिक्वायरमेंट आई है। इसका ऑनलाइन आपका 4 जून से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 3 जुलाई 2021 तक होगा। इसमें विभिन्न पदों पे बहाली आई है। पहला जो आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बंगाली फीमेल के लिए, दूसरा जो आपका पोस्ट है आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल, तीसरा जो आपका पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फीमेल, चौथा जो आपका पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू मेल, पांचवा जो आपका पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू फीमेल, छठा जो आपका पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत मेल, सातवा जो आपका पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत फीमेल, आठवा जो आपका पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी मेल, नौवा जो आपका पद है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी फीमेल। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बंगाली फीमेल के लिए एक पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल के लिए 1029 पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फीमेल के लिए 961 पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू मेल के लिए 346 पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू फीमेल के लिए 571 पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत मेल के लिए 866 पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत फीमेल के लिए 1159 पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी मेल के लिए 382 पोस्ट है और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी फीमेल के लिए 492 पोस्ट पे बहाली आई है। इन सभी का ग्रेड पे आपका 4600 है और ये सभी आपका ग्रुप बी का पोस्ट है। इन सभी पोस्ट में आपका सैलरी है 9300 से लेकर 34800 रुपये पर मंथ रहेगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बंगाली के लिए बीए ऑनर्स मांगा गया है और आपका इंडियन लैंग्वेज आपका मांगा गया है और कम से कम 45% आपको मार्क्स होना चाहिए तभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए आपका एज जो है 32 साल से कम होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री से मांगा गया है, आपका हॉनर्स या फिर पास मांगा गया है और इसमें कम से कम इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिजिक्स, सोशल साइंस ये सब में कोई एक इलेक्टिव आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट जो आपका नेचुरल साइंस, फिजिक्स साइंस होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फीमेल के लिए भी आपका बैचलर डिग्री मांगा गया, उसमें भी आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिजिक्स साइंस, सोशल साइंस ये सब में आपका कोई एक सब्जेक्ट इलेक्टिव रहना जरूरी है और नेचुरल साइंस, फिजिक्स या फिर फिजिक्स साइंस ये सब में आपका एक मेन सब्जेक्ट आपका है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू मेल के लिए आपका बीए ऑनर्स मांगा गया है, अभी आपका एमआईएल होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू फीमेल के लिए भी आपका बीए ऑनर्स मांगा गया है, वो भी आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत मेल के लिए भी आपका बीए ऑनर्स मांगा गया है और आपका एमआईएल होना जरूरी है इसके लिए और 45% मार्क्स भी इसके लिए चाहिए तब इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत फीमेल के लिए भी सेम वही है, बीए ऑनर्स मांगा गया है और एमआईएल होना जरूरी है इसके लिए भी। और इन सभी के लिए भी आपका जो एज है 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट के स्तर से जो रजिस्ट्रेशन दिया था वो सभी में रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है इसमें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी मेल में भी मैं आपका बीए ऑनर्स मांगा है और आपका एमआईएल होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी फीमेल में भी आपका बीए ऑनर्स मांगा है और आपका एमआईएल होना चाहिए और आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जरूरी है इसके लिए। इसका जो फॉर्म फिलअप होगा आपका ऑनलाइन होगा और ये वेबसाइट है https://dsssbonline.nic.in, इसमें जाके आपको फॉर्म भरना है। इसके लिए आपका एग्जामिशन फ़ी 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को आपको कोई फ़ी देना नहीं है। इसका सिलेक्शन जो होगा 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन होगा, उसी में सिलेक्शन होगा। आपका जो एग्जामिनेशन पेपर होगा आपका बाई लैंग्वेज होगा, जैसे हिंदी और इंग्लिश रहेगा और आपका जैसे कि कोई कंसर्न जैसे आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें आपको इसी लैंग्वेज में ही आपका एग्ज़ाम होगा। टायर 1 टायर 2 में अगर आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें अगर ज़्यादा मार्क स्कोर करिएगा तो आपका मेरिट अच्छा बनेगा। टायर 1 के लिए जो आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का दिया हुआ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा इसमें, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन रहेगा। तो इसमें देख लीजिए आप, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिएगा, बहुत बड़ा सिलेबस है इतना बताना थोड़ा दिक्कत है। इसमें STSC को रिलेक्शन 5 साल दिया गया, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD में SC ST रहेंगे तो 15 साल, PWD प्लस OBC रहेंगे तो 13 साल,
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए फिर अलग दिया गया है। इस फॉर्म का फिलअप करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट है सारा कुछ मैंने बता दिया। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके पूरे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह की वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।